हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टेबलाइज्ड रोड की। हम अभी स्टेबलाइजेशन या फिर सॉइल स्टेबलाइजेशन के एडवांटेजेस की बात नहीं करने वाले हैं, हम अभी सीधे सीधे स्टेबलाइज्ड रोड की बात करने वाले हैं कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं। अगर हम अपने यूनिवर्सिटी करिकुलम के हिसाब से अगर हम जाएँ तो उसके अंदर हम तीन पैरामीटर्स में बात करने वाले हैं या फिर तीन एडवांटेजेस हम उसकी बात कर लें। सबसे पहले के जो भी एग्रीगेट्स होते हैं, जो कि नॉर्मल स्टेबलाइजेशन के पहले की अगर हम बात करें, जहाँ पे स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ होता है, तो वहाँ पे एग्रीगेट्स बहुत ही अरेंज नहीं होते हैं, सिस्टमेटिक नहीं होते हैं, बार बार हमें एग्रीगेट्स को इधर से उधर करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये इसका एडवांटेजेस कि यहाँ पे ये जो वाइप ऑफ करने वाली चीज़ है वो कम हो जाती है। मतलब अगर एक बार सॉइल स्टेबलाइज्ड हो गई है तो वहाँ पे जो भी ग्रेवल हैं या फिर एग्रीगेट हैं वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होते हैं, वहीं पे रहते हैं, उसमें कोई भी उसको हटाने की या फिर सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, यहाँ पे जो हमारा ब्लेड मेंटेनेंस है वो भी रिड्यूस होता है। ब्लेड मेंटेनेंस क्या कि जब हम इनके प्रोपोर्शनिंग कर रहे होते हैं, मिक्सिंग कर रहे होते हैं, और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रेवल्स का एक पूरा का पूरा वंच पड़ा है, हम डंप करते हैं रोड में एक ट्रक से या फिर हाईवा से, तो एक पूरा का पूरा एक पहाड़ बन जाता है। फिर उसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको ले डाउन करते हैं, फ्लैट प्रोपोर्शनिंग करते हैं, सरफेस में लाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे मैकेनिकल टूल यूज़ होते हैं, तो वो ऐसे होते हैं जिनके अंदर शार्पनेस वगैरह होती है, बहुत सारे ब्लेड यूज़ होते हैं। तो जब एक बार रोड स्टेबलाइज्ड होती है तो उसकी जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, और जो भी वहाँ पे मैकेनिकल टूल यूज़ हो रहे हैं उनकी जो ब्लेड की मेंटेनेंस होती है, जो कि बहुत कॉस्टली होती है, वो भी रिड्यूस होती है। तीसरी चीज़ जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, डस्टिंग, वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है बहुत ज़्यादा पैमाने में। क्योंकि आप लोगों ने, अगर मैं एक विजन के हिसाब से या फिर एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताऊं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश होती है, कच्चे रास्ते होते हैं, बारिश होती है, और बारिश होने के बाद जब बारिश का पानी सूख जाता है तो, और वहाँ पे जब ट्रैफिक आता है तो वहाँ पे बहुत धूल वगैरह होती है। बट वहीं अगर हम एक बार कॉम्पैक्ट कर दें, रोलिंग करवा दें, तो वही चीज़ वो सेटल डाउन हो जाती है। तो वहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा डस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस कारण से ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक स्टेबलाइज्ड रोड के एडवांटेज होते हैं। वाइप ऑफ भी बहुत कम हो जाता है, ब्लेड मेंटेनेंस कम हो जाती है, और डस्टिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।